ये तस्वीरें जेके न्यूज ब्रेक आपको बता रहा है। ये तस्वीरें टंडवाल इलाके के वार्ड नंबर 13 की हैं। म्युनिसिपैलिटी में पड़ता है ये घर, और ये घर आज इतना बेसहारा हो चुका है। आपको पूरी स्टोरी में हम बताएंगे, लेकिन मेन मेन बातें ये बताने जा रहे हैं कि इनके दो बच्चे, जो कि एक बच्चा 6 साल का जो पैरालिसिस का शिकार, इनकी एक बेटी जो कि 4 साल की है, इसी आंगन में दौड़ती थी। ये देखिए, आज भी उनके पिता उसकी आहट सुनने को तरस रहे, और देखिए किस तरह से जहाँ से वो जाती थी वो कदम से कदम उसी कदम पे चल रहे हैं, और देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मेरी बच्ची के चलने की आहट मुझे सुनाई दे। अपने इन भेड़ बकरियों को भी चारे के लिए ले जाती थी। आज ऐसी तस्वीरें देखकर उसके घर वाले माँ बाप इतनी जो है दुखद घटना उनके लिए बन चुकी है। ये तस्वीर बयां कर रही है कि टंडवाल के वार्ड नंबर 13 की। तो ये इनकी बेटी 4 साल की है, जो कि पिछले 6 महीने से उसे भी पैरालिसिस हुआ, वो भी शिकार हो गई पैरालिसिस की, और ये बेटा है उनका। आप देखकर हैरान रहेंगे, 6 साल का बेटा और 4 साल की बेटी पैरालिसिस शिकार। ये बेटी जो दौड़ती थी आंगन में, आज जो है बिस्तर पे पड़ी हुई। आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करें, और पूरी स्टोरी सुनकर अगर आप मदद करना चाहें तो इसकी मदद भी करें। देखिए, माँ बाप अब इन दोनों को झोली में रखकर दिन रात जो है इनकी सेवा करते हैं, और ये गुड़िया जो कि अपने आंगन में दौड़ती थी, खेलती थी, आवाज़ करती थी, किसी को बुलाती थी, लेकिन आज ये मौत और ज़िंदगी की जंग लड़ रही है। आइए दिखा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूँ राकेश तारा, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ ब्रेक। इस समय हम उस परिवार के बीच हैं जिसके ऊपर अगर कहें तो पहाड़ टूटा हुआ है। दो बच्चे, दो ही अपाहिज, पैरालिसिस हो चुका है। बच्चे की अगर बात करें तो हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो बताएंगे कि इस बच्चे की आयु 6 साल, 6 साल से इसी तरह अपने माँ की गोद में, कितना उस माँ के लिए कितना दुखदायक समय होता है जब 6 साल का बच्चा बिना बोले, बिना कुछ कहे उसकी गोदी में हमेशा जो है कहीं ना कहीं माँ का दर्द होता है। और उसी के साथ ये बच्ची, देखिए इसकी आयु 4 साल, जो कि पिछले 6 महीने में ठीक ठाक बोलती थी, अपने जो माल मवेशी से उनके साथ जाती थी, और एक अपने घर की रौनक थी। ये बच्ची हंसती खेलती और कहीं ना कहीं थोड़ा सा माँ बाप का दिल बहला देती कि अगर उनके बच्चे की इतनी बुरी हालत, और बच्ची जब खेलती थी आंगन में तो इनका मन खुशी से झूम उठता था कि आखिर बच्ची, हमारी बेटी ठीक है। बच्चे का दुख तो हमारे नसीब में लिखा है, लेकिन भगवान ने हमें जो बच्ची दी है वो इसी तरह तंदुरुस्त रहे और कहीं ना कहीं उस दुख को भुला दे। जेके न्यूज ब्रेक इस समय उसी परिवार में जो बच्ची आंगन में खेलती थी, आज वही बच्ची अपनी बाप की बाहों में मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रही। माँ बाप का जितना सहयोग बनता था, जितना आपे में पैसा था, वो इस पे लगाया कि हमारी बच्ची उसी तरह खेले आंगन में, उसी तरह से दौड़े, और जब भी कोई आहट सुनाई देती थी तो आज भी वही बच्ची के नजर में आती है कि उधर से दौड़ के आती होगी, उधर से दौड़ के आती होगी। लेकिन आज जब वही बच्ची अपने
बाप के कंधों के सहारे बाजू में आप बाप भी जो है बेसहारा हो चुके हैं। उन्होंने अपनी जो पूंजी थी गरीब वो लगाई, और वो पूंजी लगाकर भी अपनी बेटी को ठीक नहीं कर पाए। और जब ये मजदूरी के लिए जाते थे तो कहीं ना कहीं इन्हें पता था कि मेरी बच्ची घर में ठीक है, जो उसकी माँ है वो बेटे की तो देखभाल कर रही है, लेकिन बच्ची भी माँ के कामकाज में थोड़ा सा हाथ बटोरती है। कोई बर्तन यहाँ से वहाँ रख दिया, कोई आवाज़ लगाई दौड़ के आ गई, वो आवाज़ कहाँ खो गई। भगवान ने कैसा कहर जो है इनके ऊपर डाला कि जो बच्ची आंगन में दौड़ती थी आज वही बच्ची अपने बाप के बाजुओं में जिंदगी और मौत का समय ढूंढ रही। आप लोग सब अपने बच्चों को जब देखते हैं थोड़ा सा बुखार हो जाए कुछ हो जाए तो माँ बाप रोटी नहीं खाते, लेकिन इन माँ बाप को देखिए जिनके दानू बच्चे अपाहिज हो गए, कोई बोलते नहीं, कोई कुछ नहीं। हमारा ये न्यूज ये स्टोरी आप तक लोगों तक पहुंचाने का एक ही मिशन है कि आप लोग इस परिवार को जो भी आपसे हो पड़ता है आप इनकी मदद करें, ताकि इस बच्ची का वो खेलना आंगन में दोबारा बच्ची तंदुरुस्त हो और अपने माँ बाप का सहारा बने। बच्चा तो अपाहिज था लेकिन आज बच्ची ने भी माँ बाप का सहारा कहीं ना कहीं धुंधला सा कर दिया। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि वो माँ बाप तो जिंदा जिंदा ही मर जाते हैं जिनके बाजुओं में एक बेटा अपाहिज दूसरी बेटी जो ठीक थी आज वो भी अपाहिज हो गई, कोई बोलचाल नहीं। जिस घर में उसकी आवाज गूंजती थी, जिस घर में उसकी चलने की आहट आज भी इनके माँ बाप ढूंढ रहे हैं। आप जानिए कि जब ऐसा आपके ऊपर कष्ट आता है तो माँ बाप का मन क्या कहता है। आइए इनसे बात करते हैं और दोबारा आपसे अपील करते हैं कि सबसे बड़ा अगर बात करें तो हम कहते हैं दान। दान यही होता है कि अगर कोई बेसहारा है जिसके पास उतनी पूंजी नहीं कि वो अपने बच्चे का इलाज कर सके, जो था उसने खंगाल डाला, सब कुछ दो पे लगा डाला, लेकिन बच्ची आज भी जो है उसी तरह से उनकी बाजुओं में। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जितना हो पाए इस परिवार के साथ। हम अपने चैनल में इनका नंबर अकाउंट नंबर भी हाईलाइट करेंगे। आप अगर सभी अगर हम देशवासी अगर चाहें तो इस बच्ची का जीवन दोबारा जो है आंगन में खिलखिला सकता है। हम लाखों रुपए नहीं कहते, हजारों रुपए नहीं कहते, अगर हमारे देश में ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं 150 रुपए भी अगर करें तो लाखों में हो जाता है। और इस बच्ची का एक नया जीवन अपने माँ बाप के आंगन में खिल सकता है। आइए इनसे बात करते हैं। जी आपका नाम? जी मेरा नाम मुख्तार हुसैन है जी। अस्सलाम वालेकुम। ये बच्ची है मेरी, लगभग 4 साल की है, आज इसको 6-7 महीने हो रहे हैं। ये बीमार है, एक तो इसकी ज़ुबान बंद हो गई है, एक इसने चलना छोड़ दिया है। जम्मू में रहे हम शालामार में, तो उन्होंने बोला कि इसके दिमाग में फॉल्ट है, तो इसकी दवाई जो है बहुत महंगी है। उन्होंने देखा ये आदमी थोड़े से माड़े हैं, गरीब हैं, तो उन्होंने हमें छुट्टी दे दी कि आप जाओ घर वापस। तो फिर हम उधर भी गए लुधियाने में DMC में, उधर ही मैंने चेक करवाया। चंडीगढ़ में तो हमारा तो नंबर नहीं लग सका, लेकिन PGI इधर मैंने DMC में इसको चेक करवाया। तो आज मेरे पास इतने पैसे नहीं है, जो मेरे पास था मैंने लगा दिया। अब मेरे पास इतनी पूंजी नहीं है, दिहाड़ी लगाने वाला आदमी हूँ, कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती है। तो आज गरीब आदमी हम यही चाहते हैं कि चलो हमारी कोई हेल्प कर दे तो इस बच्ची का हम इलाज करवा पाए। इस समय टंडवाल की बात करें तो वार्ड नंबर 13 म्युनिसिपैलिटी के बीच, और आज
एक परिवार गुहार लगा रहा कि अगर कोई थोड़ा सा हमारे साथ कदम से कदम मिला ले तो हमारी बच्ची और बच्चे की जिंदगी जो है उज्जवल हो सकती है। हम लाखों रुपए अपनी पार्टीज हो या जन्मदिन हो या शादी हो तो करोड़ों रुपए भी लगा देते हैं, लेकिन इस बच्ची के लिए एक छोटा सा दान जरूर करें। कहते हैं कि कन्यादान सबसे बड़ा दान। अगर आप कन्यादान समझ के ही इस बच्ची का पूरी तरह से अगर आप मदद करना चाहें तो आप कीजिए, ताकि ये परिवार भी उस खुशहाली की जो कि उम्मीद लगा बैठा है वो खुशहाली अब कर इस घर में दोबारा आती है। ये नन्ही बच्ची जो कि बिल्कुल इस समय बेहोश, कोई से होश नहीं, कोई खाना पीना नहीं इसका, कोई दो चम्मच दूध अगर पिलाएं तो वो पीती है। ये बच्ची जो पूरे इस एरिया को देखती थी, सुनती थी, आवाज़ करती थी, आज पूरा एरिया जो है एक गम की लहर में। और जेके न्यूज़ ब्रेक आप सबसे पुरजोर अपील करता है, विनती करता है कि इस परिवार के साथ आप हाथ से हाथ मिलाइए और इसको इलाज के लिए ले जाया जाए और इसको जो है ठीक किया जाए। जेके न्यूज़ ब्रेक का यही प्रयास कि इस गरीब की कोई आवाज़ किसी कोने से, कोई अगर ऐसे भी लोग भी होते हैं जो कि ऐसे आइडेंटिफाई लोगों को करते हैं और उनका इलाज करवाते हैं, और हमारा यही प्रयास था कि उन लोगों तक, ये अच्छे लोग भी हैं हमारे देश में जो कि ऐसी वीडियो को देखकर, इन बच्चों को देखकर कहीं ना कहीं मन में जो है सोच करेंगे और हम चाहते हैं कि इनकी जो है मदद की जाए ताकि ये बच्ची दोबारा इस आंगन में खेले। राकेश तारा, जेके न्यूज़ ब्रेक, राजौरी।